अगर ये बोलते हैं सम्राट चौधरी तो वो सपना देखना है रमकू समाज का, कोयरी कुर्मी अन्न का ये कहा गया है, कहावत है, संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री हो सके। अरे तो कुछ बोल सकते हैं ना, उनको तो लग रहा है कि हमको बहुत बड़ा चीज़ मिल गया। सम्राट चौधरी क्या है नहीं है हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं। उनके फादर बने विद्वान थे, वही नहीं उनके फादर भी विद्वान थे, विधानसभा में थे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैंने यही होगा या वही होगा, पहले नहीं बोल सकते ना। वो तो अभी इस फेरे में है कि यही सब बोल करके जो है से सत्ता में आ जाए। अच्छा। वो तो सत्ता तक पहुंचने का ये सब हथकंडा है तो शुरू से करते हैं, उनको बोलने भी आता है, बोलने भी नहीं आता उनको। ना ऐसे कोई नेता बोलता है और पार्टी का वरिष्ठ नेता ऐसे बोलता है कहीं? नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कल एक बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो लवकुश समाज से होगा, यानी कि या तो कुशवाहा जाति से होंगे या कुर्मी जाति से होंगे। देखिए मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे। जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है बिहार में तो जो लवकुश समाज से मतलब मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या तो कुर्मी होंगे या कुशवाहा समाज से होंगे। अगर ये बोलते हैं सम्राट चौधरी तो वो सपना देखना है रमकू समाज का, कोयरी कुर्मी अन्न का ये कहा गया है, कहावत है, संभव ही नहीं है कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। संभव नहीं है? नहीं है संभव। जब तक पूरे समाज को लेकर के नहीं चलेंगे, जब तक पूरे समाज को लेकर के नहीं चलेंगे तो लवकुश समाज से मुख्यमंत्री होगा ये संभव नहीं है। संभव नहीं है? नहीं, किला वो आपको माने अति बोल रहे हैं, गलत बोलते हैं। तो बड़बोलापन की बात इसको बोलिए, बड़बोलापन बस। वो तो कल खुले मंच से, अरे तो कुछ बोल सकते हैं ना, उनको तो लग रहा है कि हमको बहुत बड़ा चीज मिल गया। सम्राट चौधरी क्या है नहीं है हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं, समझे, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए ये सब बोलना खुला मन से, हाँ सारे समाज को मिला करके चलिए, वो सब समाज मिल के चलेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। अब कोई कह दे कि फलना चीज फलना बन जाए तो ये तो संभव नहीं ना है। वो तो सीधा सीधा कल बोल दिया है कि अगर सरकार बनती है तो या तो कुर्मी जाति के कोई लोग मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से, नहीं तो कुशवाहा बनेगा बिहार का मुखिया। बोल रहे हैं बड़बोलापन है, ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है? आप बताइए सर। ठीक है बोले हैं हम इसमें, नो अच्छा क्या आपको मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि लवकुश समाज के जो लोग हैं वो मुखिया नहीं बन सकते? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम यही मानते हैं जो होगा बहुमत आएगा तो बनेगा जी, बात की बात है। सम्राट चौधरी तो चुनाव से पहले दावा कर दिए हैं। हाँ, नहीं नहीं सब बोल दिए कि जो लवकुश समाज से बनेगा। ठीक है उनका अपना मंतव्य है तो बोले। आपको क्या लगता है, आप एक आम पब्लिक है, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुमत पहले होगा उसके बाद ना मुख्यमंत्री का ही होगा जी। हाँ तो अभी बोलना का है अपना बोले। चाचा बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी का बड़बोलापन है। ठीक, आप बताइए सर। हम क्या कहें, हम तो यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी को बुद्धि होना चाहिए जिससे वो जातीयता नहीं करें, कोई भी मुख्यमंत्री किसी जाति का हो, उनके अध्यक्षता जो मिली हुई है वो अध्यक्षता का पदभार बढ़िया से संभालें, कोई भी जाति का मुख्यमंत्री हो वो माने सम्राट चौधरी जी, उनको बढ़िया से मने होना चाहिए, उनको हर एक समाज ने बनाया है, तो ये नहीं कहें कि मने है ये होगा हो होगा, वो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है जो जब जिताएंगे सब अपने दल का, वो तो उसी को बनावें। तो क्या लेकिन लगता है सम्राट चौधरी जात पात कर रहे हैं क्या? जब कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज से आते हैं ना, वो बात नहीं कर रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं ऐसा कि दुए जात से होगा ये गलत है। खुले मंच से ना हर कौनो माने कोई भी होगा उनकी पार्टी का, अपने पार्टी से वो तो अध्यक्ष हैं, वो अपने बनावेंगे जिसको मन होगा तिसको बनावें, ये नहीं है कि माने हम लोग कहेंगे कि इसी को बनाइए, जिसको मन हो बनावें, अपने दल का अध्यक्ष हैं काजी, जितावें अपने दल को और बनावें मुख्यमंत्री जिसको जिसको मन हो उसको बनावें, उसको बनावें। हाँ तो बोल ही नहत कही समाज ना, नहीं माने वैसा नहीं बोलोगे, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, जो उनके फादर माने विद्वान थे, वही नहीं उनके फादर भी विद्वान थे, विधानसभा में थे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि माने यही होगा या वही होगा, पहले नहीं बोल सकते हैं। चलिए देखिए चाचा आप बताइए आपका क्या राय इस पर? ना उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अपने पद के लोभ में ये बात बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम कोयरी समाज से हैं और ये बात बोल देने से हाँ, तो ऐसा नहीं लगता है, ये सब लोगों की पार्टी है, उनको लग रहा है कि ये कह करके पार्टी में हम अपना जगह बनाए रखेंगे,
हमको ऐसा नहीं लगता है। उनको खुले मंच से कल बोल दिया एकदम तो कि अब की बार अगर बिहार में 25 में विधानसभा के चुनाव में अगर सरकार बनती है बीजेपी के तो लवकुश यानी कुर्मी या तो कोयरी समाज से बिहार का मुखिया होंगे। ना ना वो तो अभी इस फेरे में है कि यही सब बोल करके जो है से सत्ता में आ जाए। वो तो सत्ता तक पहुँचने का ये सब हथकंडा है और उनके कहने से इस पार्टी में कुछ होता है नहीं। वो तो अपने ही अभी झोला ढो रहे हैं। हाँ वो तो अपने ही झोला ढो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हमको बहुत बड़ा पद मिल गया। उनसे बड़े बड़े लोग अभी बीजेपी में बिहार में हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि आगे वाले लोगों के साथ क्या हुआ है, उनके साथ भी ऐसा होगा। ये सब बात नहीं बोलना चाहिए वरना मिलने वाला वोट भी नहीं मिलेगा। क्या लगता है सम्राट चौधरी जातीयता कर रहे हैं? वो तो शुरू से करते हैं, उनको बोलने भी आता है। बोलने भी नहीं आता उनको? ना ऐसे कोई नेता बोलता है और पार्टी का वरिष्ठ नेता ऐसे बोलता है कहीं जी कुर्मी को बना देंगे, चमार को बना देंगे, दुसाद को बना देंगे, भूमिहार को बना देंगे राज, ऐसा थोड़े बोला जाता है। कहीं ना कहीं गलत उन्होंने बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए एक और भी चर्चा। अच्छा अच्छा आपसे आखिरी मेरा सवाल, अच्छा आपको क्या लगता है जो सम्राट चौधरी है वो भी कुशवाहा समाज से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि 25 चुनाव से पहले ही सम्राट चौधरी अपने को अपने आप को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं? कभी होवे सम्राट चौधरी का कोई औकाते नहीं है, कहाँ से दावेदारी ठोक देंगे? वो क्या है नहीं है सो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ एक से एक बीजेपी में बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं। सम्राट चौधरी एक अथी हैं, वैसा कुछ नहीं है। जातीयता तो जातीयता नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है जातीयता कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, जब बोल रहे हैं इस तरह से आप खुद आप ही बोल रहे हैं कि हाँ, खुले मन से तो और इससे बड़ा और जातीयता क्या होगा जी। तो सारे समाज जब तक आप किसी भी समुदाय सब जात लेके नहीं चलिएगा तो सरकार संभव नहीं है। संभव नहीं। चलिए तभी आपने देखा मेरे साथ तो कुछ आम लोग थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया था कि अगर बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो बिहार के मुखिया होंगे यानी जो मुख्यमंत्री होंगे वो लवकुश समाज से आएंगे। अब सम्राट चौधरी के बयानों को लेकर जो पटना के आम लोग हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सम्राट चौधरी ये तय करने वाले कौन होते हैं, उनको सभी वर्ग के लोगों को सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलना होगा। और वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि सम्राट चौधरी अब जो हैं वो उनको जो पद मिला है उस पद के जरिए वो बड़ बोलापन कर रहे हैं, उनका औकात नहीं है कि वो किसी डिसाइड करे कि बिहार का मुखिया कौन होगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।